सोसाइटी फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट की एक प्रस्तुति। दिखाए गए सिबों का वर्गीकरण करके लाल रंग के फलों को भूरे व हरे रंग के फलों को हरी प्लेट में रखें। दिखाई गई पेंसिलों को बढ़ते क्रम में रखें। दिखाए गए जहाजों को बढ़ते क्रम में नीचे दिए गए स्थान पर रखें। दिखाए गए तालों और चाबियों में एक एक संगतता का प्रयोग करके बताएं कि ताले ज्यादा हैं या चाबी। चाबी ज्यादा है। एक टोपी, एक डिब्बा, एक पेंसिल, एक हेलीकॉप्टर। एक पेंसिल एक को एक के रूप में व्यक्त किया जाता है। दो पंख, दो ताले चाबी, दो डिब्बे। दो पंख, दो ताले चाबी, दो डिब्बे। जब एक पेंसिल में एक और पेंसिल को मिलाते हैं तो दो पेंसिलें प्राप्त होती हैं। दो को दो के रूप में व्यक्त किया जाता है। तीन गाड़ियां, तीन टेडी, तीन ट्रेनें, तीन हेलीकॉप्टर, जब दो पेंसिलों में एक और पेंसिल मिलाते हैं तो तीन पेंसिलें प्राप्त होती हैं। तीन को तीन के रूप में व्यक्त किया जाता है। चार पेंसिलें, चार ताले, चार डिब्बे, जब तीन के साथ एक और को मिलाते हैं तो चार प्राप्त होता है। चार को चार के रूप में व्यक्त किया जाता है। पांच डिब्बे, पांच हेलीकॉप्टर, जब चार पेंसिलों में एक और पेंसिल मिलाते हैं तो पांच पेंसिलें प्राप्त होती हैं।
पांच को पांच के रूप में व्यक्त किया जाता है। छह पेंसिलें, छह डिब्बे, छह पंख, जब पांच हेलीकॉप्टर में एक और हेलीकॉप्टर को मिलाते हैं तो छह हेलीकॉप्टर प्राप्त होते हैं। छह को छह के रूप में व्यक्त किया जाता है। दिखाई गई तितलियों को गिनकर लिखें। सात पंख, सात ताला चाबी, सात पेंसिलें, जब छह हेलीकॉप्टर में एक और हेलीकॉप्टर को मिलाते हैं तो सात हेलीकॉप्टर प्राप्त होते हैं। सात को सात के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब दिखाई गए बत्तखों को गिनकर लिखें। आठ गुब्बारे, आठ पेंसिलें, जब सात डिब्बों में एक और डिब्बे को मिलाते हैं तो आठ डिब्बे प्राप्त होते हैं। आठ को आठ के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब दिखाई गए खिलौनों को गिनकर लिखें। नौ पेंसिलें, नौ डिब्बे, नौ पंख, जब आठ हेलीकॉप्टर में एक और हेलीकॉप्टर को मिलाते हैं तो नौ हेलीकॉप्टर प्राप्त होते हैं। नौ को नौ के रूप में व्यक्त किया जाता है। दिखाई गई बिल्लियों को गिनकर लिखें। इस पेड़ पर कुल छह आम हैं। एक आम गिर गया, अब बचे पांच आम। एक और आम गिर गया, बचे चार आम। एक और आम गिर गया, अब बचे तीन आम। एक और आम गिर गया, बचे दो आम। एक और आम गिर गया, बचा एक आम। एक और आम गिर गया, बचे शून्य आम। शून्य को शून्य के रूप में व्यक्त किया जाता है।
दौड़ प्रतियोगिता में कुछ ने पहला, दूसरा तथा तीसरा स्थान प्राप्त किया। संख्याओं का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं। पहला, मात्रा सूचक रूप में, जिसमें उस संख्या की कुल मात्रा को गिना जाता है। दूसरा, क्रम सूचक रूप में, जिसमें संख्याओं को क्रम के लिए गिना जाता है। वस्तुओं की संख्या को उनके संख्या नाम के साथ मिलाएं। बच्चों को उनके क्रम के साथ मिलाएं। संख्याओं को उनके संकेत के साथ रखें। छूटी हुई संख्याओं को उनके सही स्थान पर पहुंचाएं। जब 9 लकड़ियों में एक और लकड़ी को मिलाते हैं, तो 10 लकड़ियों का एक समूह प्राप्त होता है। 10 को 10 के रूप में व्यक्त किया जाता है। परिवेश में कई वस्तुएं ऐसी हैं जो समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे किला दर्जन में जिसमें 12 केले होते हैं, जूते या चप्पल जोड़े में होते हैं। सोसाइटी फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट।